हेलो डूड्स, कैसे हो? तो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने अपने गेम को स्टार्ट किया, वैसे ही चुचू चार्ल्स मेरे घर के बाहर आ चुका था। एंड उस वक्त चुचू चार्ल्स काफी ज्यादा गुस्से में था। और उसके बाद मैंने एक बंदे की कुछ मदद की, तो उस बंदे ने मुझे एक बढ़िया सा रॉकेट लॉन्चर दिया, जिससे चुचू चार्ल्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा था। एंड फिर उसके बाद मैं एक औरत के पास गया, तो उस औरत ने मुझे एक गन के बारे में बताया, जिसे उसके हस्बैंड ने मरने से पहले बनाया था। एंड फिर मैंने उस गन को भी जाकर ले लिया। बट गाइस, मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी, मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमें चुचू चार्ल्स का एक रेड एग लेना था, जो कि एक आखिरी एग था। फिर मैं वो रेड एग लेने के लिए एक बंदे के पास गया, जिसे उस रेड एग के बारे में पता था। एंड फिर फाइनली उस बंदे ने मुझे उस रेड एग की लोकेशन बताई। फिर मैं वहां से निकल गया उस रेड एग को लेने। एंड मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा, तो मैं देखता हूं कि वहां पर कुछ गार्ड्स उस रेड एग की प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन गार्ड्स को अपनी ट्रेन के पास लेकर जाकर मार दूं, एंड उसके बाद आसानी से उस रेड एग को ले लूं। फिर मैंने कैसे कैसे करके उन गार्ड्स को उस केव से बाहर निकाला। एंड जैसे ही मैं उन गार्ड्स को अपनी ट्रेन के पास लाने वाला था, वैसे ही मेरे साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहाँ पर चार्ल्स आ चुका था। एंड मैं जैसे ही चार्ल्स से बचकर भाग रहा था, वैसे ही उस चार्ल्स ने मुझे पकड़कर मार दिया। एंड नेक्स्ट टाइम पे मैं जैसे तैसे कर उन गार्ड से बचकर वहाँ से आगे चला गया, लेकिन आगे भी एक गार्ड खड़ा था, तो मैंने उस गार्ड को भी चकमा देकर फाइनली वो रेड एग ले लिया। एंड वहाँ से निकल गया और फिर फाइनली बैठ गया अपनी ट्रेन में। तो चलो ये एपिसोड में देखते हैं कि हमारे साथ आखिर अब क्या होने वाला है। ओके, तो ये रही मेरी ट्रेन, मेरे सामने ही है। बाकी चलो अभी हम लोग बैठ जाते हैं अपनी ट्रेन में और निकल लेते हैं यहाँ से। काम करता हूँ, मेरे दूसरे रिक्वायर्ड मिशन को पूरा कर लेता हूँ, उसके लिए मैं पीछे चले जाता हूँ यहाँ से। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल मेरे इन्वेंटरी में तीनों के तीनों एग्स आ चुके हैं। पहले तो मैंने ग्रीन एग कलेक्ट किया था, एंड उसके बाद ये ब्लू वाला एग, और उसके बाद ये वाला एग, ठीक है। बट गाइस, तीनों के तीनों एग तो हमने ले लिया, लेकिन इसके बाद ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि यार ये तीनों एग को अब हमें एक जगह पर लेकर जाना होगा। एंड उस जगह पर चार्ल्स आएगा, एंड यार उस वक्त ना चार्ल्स की पावर एकदम ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बस आप लोग देखते जाओ कि आगे आगे किस तरीके से चार्ल्स बहुत ही पावरफुल बनकर हमें मारेगा। बाकी हम भी मार सकते हैं उन्हें, लेकिन उसके लिए हमें हमारी ट्रेन को एकदम ही बढ़िया करना होगा। और देख सकते हो मेरी ट्रेन अभी इतनी बढ़िया नहीं है, वैसे यार मेरी ट्रेन को मुझे अपग्रेड तो करना होगा। ऑल राइट, तो देख सकते हो भाई सामने ही मुझे जाना है इस घर के। तो चलो अभी हम लोग काम करते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं कि हमें इस रिक्वायर्ड मिशन में क्या करना है। एंड अब देखते हैं ये बंदा हमसे क्या कहता है। ओके, तो इसका नाम पॉल है, यानी कि वो उस बुड्ढे इंसान का बेटा है जो कि हमें स्टार्टिंग में मिला था, और उस बुड्ढे इंसान को एक चार्ल्स ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये बंदा हमसे क्या कहता है। ओके, तो ये बंदा अभी मुझसे कह रहा है कि हमें कुछ रिमोट को है ना एक लकड़ी की ब्रिज में जाकर है ना अटैच करना है, एंड उसके बाद इस बंदे को मुझे वापस से मिलना है, ठीक है। मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि अब मुझे एक ब्रिज पर जाना है, जिसकी लोकेशन इस बंदे ने फिलहाल मुझे दी है। वैसे यार ये ब्रिज पे तो मैं यहाँ पर से पैदल ही चले जाता हूँ। एंड हमें कुछ रिमोट्स अटैच करना है, बाकी कैसे करना है वो तो मुझे नहीं पता, देखते हैं। टोटल 8 रिमोट अटैच करना है मुझे। ओके, एक को मैंने ऐसा अटैच कर लिया, ठीक है। इस तरीके से मुझे करते जाना है, और दूसरा रिमोट यहाँ पर है, देख सकते हो। ओके, तो मुझे इस तरीके से, एक मिनट नहीं, ओ भाई साहब मैं मर गया। ओके, तो फिलहाल मैंने दो रिमोट को तो अटैच कर लिया है, बाकी यार इसी तरीके से मुझे ये बम्स को यहाँ पर अटैच करते जाना है, ये पिलर्स पर, क्योंकि यार ये चार्ल्स के लिए एक ट्रैप है। शायद चार्ल्स यहाँ पर आएगा ना, तो उस वक्त ये बम फूटेंगे। बाकी देखते हैं, अभी मेरा 6 तो टोटल मैंने अटैच कर लिया है, और बाकी मेरे 2 बाकी है। तो एक को यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है, और यहाँ पर 3 हो चुके हैं, यहाँ पर 4 हो चुके हैं, वहाँ पर शायद मैंने 1-2 यहाँ पर मुझे लगाना होगा। ओके, एक यहाँ पर लगा लेता हूँ, और यहाँ पर हो चुके हैं मेरे टोटली, मैंने यहाँ पर बम लगा दिया है। तो शायद जब चार्ल्स यहाँ से ऊपर से आएगा तो ये बम फूटेंगे। तो अब मैं जाता हूँ उस बंदे के पास वापस से, क्योंकि उस बंदे ने मुझे बुलाया था बम अटैच करने के बाद, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं इस बंदे के पास वापस आ चुका हूँ, एंड देखते ये बंदा मुझसे क्या कहता है। ओके, तो ये बंदा मुझसे कह रहा है कि जो ब्रिज है ये इस आइसलैंड का सबसे ज्यादा बड़ा ब्रिज है, एंड जब चार्ल्स इस ब्रिज को क्रॉस करेगा तो उस वक्त हम चार्ल्स को आसमान की सैर करा सकते हैं। ओके, तो ये बंदा मुझसे कह रहा है कि जब तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे तो एक ऐसी फाइट के लिए रेडी हो जाना जिसकी वजह से उसके बाद चार्ल्स के साथ
फाइट ही नहीं होगी जिंदगी भर, ठीक है। तो यानी कि यार चार्ल्स का खात्मा होने वाला है। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं और देखते हैं भाई अभी हमें कहाँ पर जाना है। यार ये वो बुड्ढे का बेटा है जो स्टार्टिंग में मर चुका था। बाकी यार सॉरी यार, क्योंकि तेरे डैड ना मेरे आंखों के सामने ही मरे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। चलो अभी हम लोग फिलहाल जाते हैं यहाँ से। लेकिन यार मैं उस खतरनाक फाइट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी ये सारी के सारी एबिलिटी फुल हो जाए, तो उसके लिए यार मैं सोच रहा हूँ अभी मैं थोड़े ऑप्शनल मिशन कर लूँ। वेल यार अभी फिलहाल मुझे चार्ल्स की आवाज आ रही है, यानी कि चार्ल्स आजू बाजू में कहीं पर है। भाई साहब मुझे अभी मेरा मिशन करना था ऑप्शनल, तो मैं चले आ रहा हूँ। बाकी देखते चार्ल्स आएगा तो आएगा, एंड मुझे यहाँ पर ही जाना है। बाकी देखते यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, तो देखते ये बंदा हमसे क्या कह रहा है। ओके, तो ये बंदे को शायद हमें कोई सी तो फाइल ला कर देना है। काफी ज्यादा लंबा पकाया भाई इस बंदे ने मुझे। लेकिन वो बंदा कह रहा था कि इस ब्रिज के ऊपर है शायद से, तो चलो जाकर देखते हैं कहाँ पर है वो फाइल्स। एंड यार मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी फिलहाल मुझे करना तो करना क्या है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का पेंट मिल गया मुझे, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मुझे ऐसा ऊपर चढ़ना है शायद से यहाँ से। भाई सब काफी दिक्कत हो रही है वैसे तो ऊपर चढ़ने। ओके, अब यहाँ से ऊपर चढ़ जाना है, ठीक है। भाई साहब ये तो चोर लोग की तरह हमें चढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, तो ठीक है ये बंद है दरवाजा, यहाँ पर नहीं होगी वो फाइल। अब शायद हमें ऊपर जाना है, बट यार चार्ल्स आने वाला है शायद यहाँ पर, क्योंकि आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आ रही है और मुझे काफ़ी संभल कर जाना होगा, क्योंकि भाई अगर एक बार नीचे गिरे ना तो समझ लो गई हड्डी फसली। बाकी देखते शायद यहाँ पर भी फाइल नहीं है भाई, कहाँ पर होगी वो फाइल जो उस बंदे को चाहिए। बाकी यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर क्रिश की तरह जंप मारना होगा, एंड देखते चलो मैं वो कर पाता हूँ कि नहीं। काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है ये स्टंट, क्योंकि यार अगर मैं नीचे गिरा ना तो भाई मेरी जान जा सकती है। चलो अभी हम लोग देखते हैं, इसे ट्राई करते हैं। 3, 2, and 1। ओ वेट भाई, चार्ल्स की, अबे चार्ल्स आ गया। 3, 2, 1 गिना तो भाई साहब, भाई ऊपर मत आना चार्ल्स। ऑलराइट, तो मैं चलो एक काम करता हूँ, यहाँ से अभी जंप कर देखता हूँ। भाई साहब ऊपर आ रहे क्या चार्ल्स? 3, 2, 1। ओ भाई साहब पहुंच गया मैं, फाइनली पहुंच गया भाई इस घर के ऊपर मैं। और यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी मुझे यहाँ से डायरेक्ट जंप करना होगा, तो चलो अभी मैं जल्दी से यहाँ से वहाँ पर जंप करने की कोशिश करता हूँ। बाकी देखते हैं मैं कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि नीचे गिरा तो भाई मैं फिर से मरने वाला हूँ, बोल देता हूँ, ठीक है। 3, 2, and 1। ओ भाई साहब, वापस से मैं बिल्कुल ही सेफली बढ़िया से जंप कर लिया हूँ। एंड अब ऊपर मुझे जाना है और यहीं कहीं पर वो फाइल होने वाली है। एंड अब यहाँ से ऊपर मैं आराम से जाता हूँ। भाई कितना ऊपर है। ओके, तो ये दरवाजा भी फाइनली खुल चुका है, एंड वो फाइल शायद मुझे यहाँ पर मिल सकती है। ओके, देख सकते हो भाई यहाँ पर काफी सारे पेपर्स है। नीचे के दरवाजे में कुछ नहीं है शायद, हाँ ठीक है, तो मैंने शायद अभी ले लिया हूँ जो मुझे चाहिए था। बाकी अब बस जाकर उस बंदे को देना है मुझे। ओके, तो चलो अभी मुझे फटाफट से यहाँ से इस बंदे को दे देना है उसकी जो भी सामान है, ठीक है। ओके ठीक है, तो चलो ये बंदे ने हमें अपने स्क्रैप्स दे दिया है, मतलब स्क्रैप्स तो दे दिया। अब देखता हूँ भाई मेरे पास टोटल कितने हैं, 36 स्क्रैप्स है, ठीक है। अब फिलहाल मैं चले जाता हूँ मेरी ट्रेन के पास। ऑलराइट, अभी मैं तो फिलहाल अपनी ट्रेन में तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी हम देखते हैं हमारे दूसरे ऑप्शनल मिशन को, जिससे हमें और स्क्रैप्स मिलने वाले हैं। बाकी रुको एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मेरी ट्रेन की जो एबिलिटी है मतलब अपग्रेड कर लेता हूँ इसे, पहले स्पीड तो नीचे लो, पहले डैमेज और आर्मर को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 स्क्रैप्स बचे हैं। चलो अभी हम लोग जाते हैं हमारे दूसरे ऑप्शनल मिशन के पास, एंड उस मिशन को भी कर हम हमारे स्क्रैप्स बढ़ाकर अपनी ट्रेन को अपग्रेड कर लेंगे, जिससे हम चूचू चार्ल्स को आसानी से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी चूचू चार्ल्स को हम मार सकते हैं और उसके सामने देर तक के खड़े रह सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हमारे ऑप्शनल मिशन के पास। अरे यार चार्ल्स की आवाज आ रही है मुझे, चार्ल्स कहीं आसपास में ही है। बाकी मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? ओके, वो साइड से रास्ता है भैंस की। अबे अंदर जाने का मुझे, अंदर भाई, कैसे अंदर जा सकता हूँ मैं भाई साहब? अबे अंदर जाने का रास्ता है क्या? एक मिनट, जल्दी खुल। ओ भाई साहब फाइनली भाई मैं अंदर आ गया, वरना मैं अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं यहाँ पर रहता ना भाई, कंफर्म मर जाता था मैं भाई, मुझे दरवाजा ही नहीं दिख रहा था, क्या करूँ भाई। एंड चले गया शायद चार्ल्स अभी, ठीक है। तो अब मैं इस बंदे से बात करता हूँ कि भाई सोहब वेट, भाई क्या हालत हो गई भाई इस बंदे की, देख सकते हो इसके पैर पे बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से लग चुका है। बाकी इसको ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है, हो सकता है चार्ल्स ने इसे मारा होगा। बिचारी बंदी भाई, काफी ज्यादा डैमेज है इसे। तो चलो अब इससे बात करके देखते हैं कि ये बंदी हमसे क्या कह रही है। ओके, तो ये बंदी हमसे एक मदद मांग रही है, एंड ये बंदी कह रही है कि लाइट हाउस के साइड के जो ब्रेकर है उसे हमें रिप्लेस करना होगा, ठीक है। ओके, तो ये बंदी को अभी चार्ल्स ने मारा है, इस वजह से ये अपने आप से नहीं कर सकती ये चीज, तो इस वजह से हमें इसका काम करना होगा, ठीक है। ओके,
ओके, तो ये बंदी अभी हमसे कह रही है कि जो ब्रेकर्स है वो सप्लाई शेड के नजदीक है, एंड ये बंदी मुझसे कह रही है कि अगर तुम जाओगे तो उसे रिपेयर कर देना, एंड जब हम उस लाइट को ठीक कर देंगे तो उसके बाद ये बंदी सिग्नल चालू करेगी, एंड उसके बाद ये बंदी सिग्नल से अपने आसपास के शिप को उस लाइट का सिग्नल देकर उन शिप से हेल्प मांगेगी ताकि इस बंदी की हेल्प कर सके, यानी कि ये आइसलैंड में मतलब फंस चुके हैं इस तरीके से वो सिग्नल देके, ठीक है, क्योंकि यार इन लोगों की कोड लैंग्वेज अलग ही होती है। ओके, तो इस बंदी ने हमसे कह दिया और अभी हमें जाना होगा, ठीक है, तो चलो अभी हमें जाना है उस लोकेशन पर जहाँ पर से हमें वो चीज लाना है, मतलब रिप्लेस करने के लिए, बाकी देखते चलो अभी क्या करना होगा, ठीक है। तो पहले तो भाई स्क्रैप यहाँ से उठा लेता हूँ और ये सारी के सारी चीजें हमें उठाना होगा, ठीक है, और ये सारी के सारी चीजें से हमें रिपेयर करना होगा, मतलब रिप्लेस करना होगा वो चीज को जो खराब हो चुकी है, देख सकते हो ये सब, क्योंकि यार लाइट बंद हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग, एंड अभी हमें शायद यहाँ पर लगाना है इस तरीके से, बाकी हमें इस तरीके से करना है शायद, वेट नहीं हो रही है, कैसा करना है भाई इसे, एक मिनट नहीं हो रही है ये, कैसे करना है भाई इसे, एक यहाँ पर चालू किया, एक यहाँ पर चालू किया, नहीं हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ओके, तो इस तरीके से करना है मुझे, ठीक है, तो एक यहाँ पर इसे भी चालू कर देता हूँ, एक मिनट, एक यहाँ पर, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, अब शायद से लाइट चालू हो चुकी है और बोंगा बज रहा है भाई, बहुत ही जोर से बज रहा है, ठीक है, अब देखते हैं ये बंदी मुझसे क्या कहती है, फटाफट से स्क्रैप्स दे दे भाई, ओके थैंक यू, चलो इस बंदी ने हमें स्क्रैप दे दिया, देखते हैं कितने स्क्रैप दिए, ठीक है, वो भाई काफ़ी ज़्यादा दिए थे, क्योंकि यार मुझे याद है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्रैप्स थे, यानी कि इस बंदी ने मुझे 31 स्क्रैप्स दिए, वो अब मैं चले जाता हूँ भाई मेरी ट्रेन के पास, एंड यार चार्ल्स की आवाज़ आ रही है अभी मुझे, भाई सबसे पहले तो मैं इस रॉकेट को भाई यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चार्ल्स को डैमेज पड़ता है, भाई बेस की भाई सामने से आ रहा है चार्ल्स, अब कैसे मारूंगा मैं भैंस की, आ जा भाई तू पीछे से आ जा, तू पीछे से आ जा, एक मिनट भाई मैं अपनी, ये क्या हो गया, भैंस की ट्रेन के अंदर घुस गया था क्या चार्ल्स, आ जा बेटा तू, आ जा बेटा तू तो नहीं बचने वाला, भैंस की तेरी तो मेरे को मारेगा, ये ले भाई तू, ये ले, ये भी ले भाई, और देख सकते हो गाइस मुझे स्क्रैप्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मेरी ट्रेन में, क्योंकि यार मेरी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले से, देख सकते हो 7वें लेवल पे, स्पीड बाकी इसकी कम है मैं मानता हूँ बाकी, लेकिन डैमेज और आर्मर इसका काफ़ी बढ़िया हो चुका है, तो यही चाहिए हमें, तो अब मैं बढ़ा लेता हूँ मेरी डैमेज को बढ़ा लेता हूँ, और उसके बाद आर्मर को तो नहीं बढ़ा सकता और इसे भी नहीं बढ़ा सकता, ठीक है गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ इस वाले मिशन के पास भी, ठीक है भाई, ये बंदा कौन है समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो अब हम इस बंदे से बात करके देखते हैं कि क्या कहता है ये बंदा हमें, ओके, तो ये बंदा अभी मुझसे फिलहाल कह रहा है कि इसे लेने आने के लिए इसकी एक बोट आने वाली है, लेकिन इसकी जर्नल जो है एक जगह पर है जिसे लेकर आना है मुझे, और ये बंदा कह रहा है उसे लाने में खतरा है मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारी ट्रेन से ये पॉसिबल है, ऐसा भी कह रहा है ये बंदा, ठीक है, और इस काम के बदले ये बंदा मुझे हमें स्क्रैप देगा, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं, चलो जाते हैं, बाकी इस बंदे ने मैप में जो है वो लोकेशन डाल दिया है, काफी लंबी है ये, सही बात है भाई, काफी ज्यादा लंबा है भाई इसका जर्नल, भैंस की मैं तो बोल रहा हूँ भाई इतना खतरनाक आइलैंड से जान बचाकर जा रहा है वही बड़ी बात है, लेकिन ये भाई साहब को जर्नल भी चाहिए, वेल ठीक है, तो चलो इस बंदे की जो जर्नल है इस घर के अंदर है, कहाँ पर है भाई, ओके एक और रूम है यहाँ पर, ठीक है ये रही वो जर्नल, देख सकते हो उस बंदे को हमें ये डायरी देना था भाई उसकी, चलो अभी हमने इसे ले लिया है, बस अभी उसे जाकर देना है, और उसके बदले भाई हमें स्क्रैप्स मिलने वाले हैं, ले भाई तेरी भाई बुक मैंने लेके आ गया हूँ, ठीक है भाई, इस बंदे ने मुझे लंबा भेजा था तो थोड़े बहुत ज्यादा स्क्रैप देना चाहिए इस बंदे को, देखते चलो इस बंदे ने हमें कितने स्क्रैप्स दिया है, ओ भाई साहब बढ़िया भाई, इस बंदे ने हमें काफी सारे स्क्रैप्स दे दिया है, एंड अब मैं बढ़ा लेता हूँ अपने आर्मर को, एंड उसके बाद मैं बढ़ा लेता हूँ स्पीड को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, एंड अब जाते हैं दूसरे मिशन पर, ओके, तो ये देखो आराम से बैठी है यार, शायद इसे चार्ल्स ने मारा नहीं है, ठीक है, देखते हैं ये बंदी हमसे क्या कहती है, ये बंदी हमसे कह रही है कि आपको गोस्ट के बारे में एक्सपीरियंस है क्या, ओके, तो यहाँ पर देखो पेजेस की बात है, ये देखो ये पेजेस ढूंढना है हमें इस तरीके से शायद, तो एक पेज मैंने ढूंढ लिया और टोटल 8 पेज है, ठीक है, यहाँ पर गोस्ट वगैरह भी रहते हैं, वो बंदी कह रही थी, देखते हैं भाई कि गोस्ट कहाँ से होते हैं भाई चूचू चार्ल्स में, एक भाई चार्ल्स ही तो एक सबसे बड़ा गोस्ट है, वो क्या है भाई, ओ भाई साहब ये गोस्ट है शायद, भाई साहब भागो यहाँ से भाई, ये कैसा गोस्ट है, ओ भाई साहब ये तो सच्ची में गोस्ट है, हवे में उड़ रहा है भाई कोई इंसान, देखो यहाँ पर भी एक पेज है, ठीक है, इसे भी मैं उठा लेता हूँ, एक मिनट है भाई ये क्या हो रहा है, भाई साहब ये तो पीछा कर रहा है भाई मेरा, अबे भाग इधर से, ए भाई एक मिनट भाई क्या हो रहा है ये, यार मुझे रुकना नहीं होगा, मुझे फटाफट से सब कुछ कलेक्ट करना होगा और बाद में जाना होगा, एक मिनट में जा रहा हूँ, यार भाई साहब ये तो असली में गोस्ट है यार, ओके एक और पेज दिख गया मुझे, ओ एक मिनट भाई ये क्या हो गया, ओ भाई बच गया मैं, एक मिनट ये कहाँ पर आ गया मैं,
भाई ये हो क्या रहा है, टेलीपोर्ट हो गया भाई मैं, एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। वैसे यार मेरे 6 पेजेस हो चुके हैं अभी, बस 2 बाकी है और एक यहाँ पर है, ठीक है बस एक पेज बाकी है बस अभी मेरा। ओके ओके मिल गया भाई मुझे एक और पेज यहाँ पर है, बढ़िया। तो ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैंने सारे के सारे पेजेस वो कलेक्ट कर लिया हूँ, बस अभी मुझे उस बंदी के पास जाना है एंड उसके बाद उस बंदी को ये पेजेस देना है जिसके बदले वो मुझे स्क्रैप्स देगी। ठीक है भाई ले ले तेरे पेजेस। ओके थैंक यू। तो अभी मैं फटाफट से अपनी ट्रेन को अपग्रेड कर लेता हूँ। ओके डैमेज को इंक्रीज कर देता हूँ और उसके बाद जो है आर्मर को इंक्रीज कर देता हूँ। बाकी स्पीड तो चलो मैं कर दूंगा बाद में, क्योंकि यार ये दो मेन चीज है। ठीक है बाकी मेरे 2 मिशन और हो जाए बस, और उसके बाद मेरी ट्रेन पूरी तरीके से अपग्रेड हो जाएगी एंड उसके बाद मैं इस ट्रेन से चूचू चार्ल्स को मार सकता हूँ। वेल यार गाइस आज की हमारी वीडियो यही तक लगी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। एंड गाइस नेक्स्ट एपिसोड में ना मैं 1-2 ऑप्शनल मिशन और करूंगा और साथ ही साथ मेरे ट्रेन को पूरी तरीके से अपग्रेड कर लूंगा एंड उसके बाद चले जाऊंगा चूचू चार्ल्स से फाइनल फाइट करने, क्योंकि यार वो फॉर्म चूचू चार्ल्स का सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वो चूचू चार्ल्स इतना पावरफुल हो जाएगा कि हमारी इतनी खतरनाक ट्रेन भी उसे जल्दी नहीं हरा पाएगी। वेल गाइस तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।